नमस्कार के हरियाणा पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चलिए आज मैं आपको ले चलता हूं रानिया शहर के मुख्य बाजार में। वहां पे आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से हाल है, किस तरह का हाल है। यहां आप देख सकते हैं कि ये रानिया जो मार्केट है उसकी मेन गली है, और इस मेन गली में किस तरह से साधन खड़े हुए हैं। पार्किंग ना होने की ये स्थिति है, ये दशा है कि आने जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों को यहाँ पे सामना करना पड़ता है। अब ये यहाँ पे आप इस गाड़ी को देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से इन्होंने ये गाड़ी यहाँ से पास की है। आसपास अगर मैं दिखाना चाहूँ तो टू व्हीलर और फोर व्हीलर गली के बीच में खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ का प्रशासन न जाने क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। किसी को भी इसकी सुध नहीं है कि यहाँ पे जो ये व्हीकल खड़े कर दिए जाते हैं बीच राह में, उससे आने जाने वाले यात्रियों को कितनी परेशानी होती होगी। अब आप सामने अपना टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से व्हीकल खड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि अतिक्रमण, तो वो भी यहाँ पे जोरों शोरों पर है। हालांकि 3 से 4 दिन पहले जिला प्रशासन सिरसा ने मार्केट में जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था, लेकिन उसका यहाँ बिल्कुल असर देखने को नहीं मिला। सिरसा में तो खैर एक बार जो नगर परिषद की, नगर पालिका की जो ट्राली है वो आ गई और सामान उसमें डाल करके ले गई, लेकिन उसके बाद में क्या कुछ रहा, कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद वैसे ही वही हाल दोबारा देखने को हमें वहां पे मिल सकता है। तो इसी का परिणाम है रानिया का ये मेन बाजार है। इस बाजार में आप देख सकते हैं किस प्रकार से साधन खड़े हुए हैं, आड़े टेढ़े तिरछे, जैसे दिल में आया वैसे वहां पे खड़ा कर दिया। सड़कों पे भी यही हाल है। सड़क जो मुख्य सड़क है सिरसा से लेकर के रानिया सिरसा रोड, उस सड़क पे भी यही हाल है। इसी तरह का हाल है कि कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई सुध नहीं ले रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन को इसकी परमिशन भी है, इसका अधिकार भी है कि वो चालान कर सकते हैं अगर अवैध रूप से पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है तो। लेकिन इसके दूसरी ओर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह का हाल यहाँ पे है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक गाड़ियां और मोटरसाइकिल ही मुझे इस रोड पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आने जाने वाले जो व्हीकल हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का यहां पे सामना करना पड़ रहा है। चलिए यहां के लोग क्या कहते हैं, दुकानदार क्या कहते हैं, यात्री आने जाने वाले क्या कहते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कितनी परेशानी इसके माध्यम से हो रही है। पिछले ही दिनों में हमने अखबारों में पढ़ा था कि SDM, SSP हामिद अख्तर और DC प्रभजोत सिंह ने एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग के तहत उन्होंने ये मतलब फैसला लिया था कि जो भी हमारा बाज़ारों में अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण को हटाना चाहिए जिससे आमजन को सुविधा हो सके। अतिक्रमण से जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस करके वहाँ पर एक मीटिंग के तहत ये भी फैसला लिया गया कि सिरसा के अंदर जितने भी जो खाली जगह है उनको पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पर की जाए जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। और इस नियम के तहत उन्होंने ये भी बताया था कि 2 से 3 बार चलान 2,000 रुपये का, चौथा चलान 50,000 रुपये का होगा। अगर 10 बार लगातार एक दुकान का चलान हो जाता है तो दुकान को परमानेंटली सील कर दिया जाएगा। लेकिन प्रशासन की लापरवाही आप देख रहे हैं, साफ नज़र आ रही है, इसका लोगों के ऊपर कोई असर नहीं है। और मैं लोगों से भी ये अपील करता हूँ, जब प्रशासन हमारे सहायता करना चाहता है, जब हमारी हेल्प करना चाहता है, तो हमें भी उसका सहयोग करना चाहिए। बहुत परेशानी होती है जी हमारे को तो। ये इस तरह है जी, जब ये कोई गाड़ियाँ या कोई 3-व्हीलर ये जो रोक जाते हैं, उस टाइम हमारे दुकानदारों को बहुत परेशानी होती है, इसी वे रोक लगाई जाए। ये शुरू में जब आप अंदर आते हैं वहीं इसका वहाँ कोई बैरीटेक लगा दिया जाए तो ये गाड़ियाँ ना आए बाज़ार में तो समस्या का हल हो जाए। ये जो व्हीकल वाले आते हैं दुकान के आगे खड़े कर देते हैं, कस्टमर को चढ़ने की जगह ही नहीं मिलती। अगर ये बैरिकेड लग जाए गेट फ्रंट पे पेट्रोल पंप के पास, तो ये व्हीकल अंदर नहीं आएगी। इनके लिए पार्किंग बना रखे है, पार्किंग में भी नहीं खड़े करते। साधन आराम से निकालना पड़ता है, इधर उधर देख के, अच्छा एक दूसरे से पूछ के निकालना पड़ता है। सड़क कितने के बीच में खड़ी हुई है साधन, सड़क की साधन यहाँ तो कोई कार है नहीं, पीछे तो कार खड़ी है, कोई मोटरसाइकिल खड़ा है, थोड़ी दिक्कत तो है जी।
परेशानी तो होती है, हर एक को परेशानी होती है, ज़्यादा तो राहगीरों को परेशानी होती है इसकी जी। यहाँ पे पार्किंग की सुविधा नहीं है जी रानिया में, अगर पार्किंग की सुविधा हो तो आप ये गाड़ियाँ अपने आप पार्किंग में लगें, तो हर एक को एक तकलीफ है जी, दोपहर को बड़ा बुरा हाल होता है यहाँ पे जी। तो ऐसे में यहाँ पे दुकानदारों और आने जाने वाले यात्रियों का यही कहना है कि यहाँ पे पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो बीच रास्ते में खड़ी होती हैं, और दुकानदारों ने तो इतना तक भी मांग की है कि जिस तरह से सिरसा शहर के अंदर बैरिगेट्स लगाए हुए हैं, जो तंग बाजार हैं उनमें भारी व्हीकल जो फोर व्हीलर व्हीकल हैं वो जाने के लिए बैन किया हुआ है, तो उसी तरह से अगर इस जो बाजार के शुरुआत में बैरिगेट्स लगा दिया जाए तो फोर व्हीलर और थ्री व्हीलर जो हैं वो अंदर नहीं आ सकेंगे और उससे जो है सड़कें खुली की खुली रह सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि रानिया प्रशासन इस ओर कब तक ध्यान देता है और कितना इस समस्या को, लोगों की जो ये समस्या है उसको अमल में लाता है। कैमरा सहयोगी मुकेश बेनीवाल के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।